भीम आर्मी के सदस्यों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम टपुकड़ा तहसील कार्यालय में एसडीएम महेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा और जुनेद व नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदेश महासचिव सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भरतपुर के घाटमिका गांव के युवकों का अपहरण के बाद उनकी जलाकर हत्या करने की घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने, सरकारी व उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की मांग की। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव राजस्थान। जो आज ज्ञापन सौंपा है इस बारे में, आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है ये बड़े दुखी मन से हमने ये ज्ञापन दिया है। वो बहुत मन आहत है अंदर से कि भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर जिले में एक गांव है घाटमिका गांव के अंदर जो घटना हुई है, बजरंग दल के गुंडों ने नासिर और जुनैद की हत्या कर दी, बहुत ही बेरहमे से हत्या की है। सबसे पहले उनको मारा है, पीटा है बहुत ज़्यादा, फिर उनको जो है जंगल में ले जाकर उनके आग लगा दी, जिंदों को जलाया है उनको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जिम्मेदार हरियाणा पुलिस है, 100% हरियाणा पुलिस है, क्योंकि जिस समय उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, उस अपराधी ने बताया है कि फिरोजपुर थाने की पुलिस के पास वो लोग उनको लेकर गए थे, और जब लेके गए तो उनकी हालत जो थी वो अधमरी हालत थी, उनकी बिल्कुल नाजुक हालत थी। हरियाणा पुलिस ने उन्होंने उनको लेने से मना कर दिया कि हम इनको नहीं ले सकते, उसके बावजूद उनको जो है जंगल में ले जाके जला दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार और शासन प्रशासन दोनों से, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसी तरीके से पहलू को मार दिया गया। ये गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं जो हो रही हैं, तो देश के अंदर कोई कानून नाम की चीज भी है या नहीं है? कानून व्यवस्था हमारे देश की बिल्कुल खराब हो चुकी है। या तो शासन प्रशासन होश में आ जाए और इन दोषियों को, इन आरोपियों को, इन कातिलों को या तो गिरफ्तार करे जल्द से जल्द, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला करके जल्द जल्द इनको अंजाम पर पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। धन्यवाद।